क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या लिखा है देखो, टू स्मॉल बॉडीज ऑफ मास 2 kg एंड 4 kg आर केप्ट एट रेस्ट एट अ सेपरेशन ऑफ 2 मीटर। तो एक यहाँ पर 2 kg का मास है और यहाँ पर 4 kg का मास है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है, यानी कि ये डिस्टेंस है 2 मीटर। अब बोला है कि वेयर शुड अ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg बी प्लेस्ड टू एक्सपीरियंस नो ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम दीज बॉडीज। अब किसी एक पॉइंट मास को हमें रखना है कहाँ पे, यहाँ कहीं पे, ठीक है, और उस पर नेट फोर्स 0 लगना चाहिए। तो ऐसा कब होएगा, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्या होगी, 0 होगी। अभी सोचो भाई, किसी भी रैंडमली रैंडमली मैं इस पॉइंट की अगर बात करूँ तो इसकी वजह से फील्ड ऐसी होगी, इसकी वजह से फील्ड ऐसी होगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। कहाँ पर होगी, इसको थोड़ा दिमाग लगाते हैं अपन। देखो यार, ये ऑब्वियस सी बात है कि 2 kg वाले के आसपास होगी वो पॉइंट, मतलब सेंटर से, ये मान लो सेंटर है, तो ये जो पॉइंट है 0 फील्ड वाला, वो लोअर मास के पास में होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों की वजह से ये फील्ड बराबर होनी चाहिए। अब 4 kg वाला मास बड़ा है, 2 kg वाला मास छोटा है, तो मास में 4 kg आगे है, तो डिस्टेंस में हमें किसको आगे रखना पड़ेगा, 2 kg को आगे, मतलब जिसके लिए डिस्टेंस कम होगा उसके लिए फील्ड ज्यादा होगी। तो मास 4 kg वाले के पास मास ज्यादा है, तो 2 kg वाले से हम पॉइंट को पास रखेंगे ताकि दोनों की फील्ड बराबर आ सके, ठीक। अब मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस है एक्स, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 - x। अब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, 2 kg वाले की वजह से कहाँ पर होएगा, यहाँ पर, और 4 kg वाले की वजह से यहाँ पर, इन दोनों को बराबर होना मांगता है अपने को, तो 2 kg वाले की वजह से क्या होगा, g into 2 gm/r² होता है ना, तो gm/x² आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 kg वाले की वजह से क्या होगा, g into 4 gm/r², और r की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 - x। जी से जी काट दो, यहाँ पर आ गया 2, अंडर रूट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 2 √2 / 2 - x। अब भाई इस एक्स की वैल्यू को सॉल्व कर लेना, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, हो सकता है कि कैलकुलेटर यूज करना पड़े, जो भी आएगा आंसर वही इसका सही आंसर है। ये तो हो गया एक पॉइंट, है ना, मतलब एक पार्ट इस क्वेश्चन का। अगला में क्या बोला हुआ है कि एक पार्टिकल, अच्छा अब यहाँ मास का मैंने कोई यूज नहीं किया है ना, ध्यान देना, जो 0.1 kg का मास है, मतलब ये जो मास रखा हुआ है यहाँ पर, वो कितने मास का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर फील्ड 0 है वहां पर कितना भी भारी मास ले आओ, कितना भी लाइट मास ले आओ, उस पर नेट फोर्स 0 ही रहेगा, ठीक। लेकिन अगले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, वॉट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द थ्री पार्टिकल्स विद यूजुअल रेफरेंस लेवल। यूजुअल रेफरेंस लेवल का मतलब ये है कि यूजुअली अपन क्या मानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0, तो यहाँ पर भी वही मानना है। और जब जब इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को अपन 0 मानते हैं, तो किसी पॉइंट मास से एक्स दूरी पे या किसी पॉइंट मास से आर दूरी पे एक दूसरा मास रखा हुआ है ना, ये हो गया m1 और ये हो गया m2, तो इन लोगों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -gm1m2/r, ठीक। ऐसा कब होता है, जब अपन इंफिनिटी पे 0 माने पोटेंशियल एनर्जी को। अब यहां पर 3 मास रखे हुए हैं, अब ये 2 kg 4 kg सब भाड़ में जाए, इसको मैं m1 बोल लेता हूँ, इसको मैं m2 बोल लेता हूँ, और इसको मैं m3 बोल लेता हूँ। तो m1 यहाँ पर 3 जोड़े हैं, m1 m2 m2 m3 और m3 m1, 3 जोड़े हैं, तो 3 टर्म आएंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, सबसे पहला जोड़ा किसका, 1 और 2 का, तो -gm1m2/डिस्टेंस क्या है, x, प्लस अब m2 m3 की वजह से क्या होगा, -gm2m3/ ये वाली डिस्टेंस, यानी कि 2 - x, ओके। और एक टर्म और कौन सा बनेगा, m2 की वजह से, सॉरी m1 और m3 की वजह से,
अरे नहीं यार, मैं कुछ गड़बड़ी कर दिया, आई एम सो सॉरी यार। यहाँ पर M3 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि M1 और M3 के बीच की डिस्टेंस क्या है, x है, ठीक। और यहाँ पर M2 और M3 है, यानी कि ये और ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2 माइनस x, तो यहाँ तक सही है। अब बचा कौन, M1 और M2 के बीच का एटम, मतलब बीच की पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या आएगा, माइनस जी M1 M2 बाय डिस्टेंस क्या है, 2 है, तो 2। अब x की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं भाई फर्स्ट पार्ट में, M1 M2 और M3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो बस पुट करो आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करना आप लोगों का।